वेलकम बैक गाइस, आकाश कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, ये जो टॉपिक है आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ के लिए नहीं, आप अगर बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, तो आपके लिए हर एक क्षेत्र में फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चैप्टर आना बहुत ही अनिवार्य है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी की, तो कोई भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। स्टार्टिंग होती है आपकी, सबसे पहले अगर हम बात करें, आप लोगों ने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा होगा। अकाउंटिंग साइकिल की अगर हम बात करें, तो अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई भी इवेंट होता है, इवेंट का मतलब हो जाता है आपके पास कोई भी ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन होने के बाद अगर हम उसे मनी में मेज़र कर पाते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अनुकूल होता है वो, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको आगे प्रोसीड करते हैं। आगे कहाँ प्रोसीड करते हैं, हम उसके बाद उसकी जनरल एंट्री करते हैं, और जनरल एंट्री करने के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। जनरल एंट्री होने के बाद हम लोग उसका लेज़र बनाते हैं, और लेज़र बनाने के बाद लेज़र में ही हम सारी सब्सिडरीज बुक भी बनाते हैं। सारी सब्सिडरीज बुक जैसे कैश बुक, परचेज बुक, ये सारे सेल्स बुक, ठीक है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारे बुक्स आ जाते हैं हमारे। और इसके बाद हम लोग मैथमेटिकल जांच के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस जब हमारा बन जाता है, तो उसके बाद हम लोग आते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, और फिर हमारा ये प्रोसेस है, चलता रहता है। अब हमको यहाँ पे बात करनी है किसकी, फिनेंशियल स्टेटमेंट की बात करनी है। ठीक है, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट की जब हमें बात करनी है, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट की शुरुआत कैसे होती है, या कौन सा बिजनेस किस प्रकार का फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, पहले हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट अगर मैं बात करूँ सोल प्रोप्राइटरशिप की, सोल प्रोप्राइटरशिप जिसको हिंदी में हम बोलते हैं एकल व्यापार, एकल व्यापार की बात करूं, तो एकल व्यापार में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम पे अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली फर्म नहीं है तो वो क्या करेगी, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगी, और देन वो अपना बैलेंस शीट बनाएगी। ठीक, ये तो हो गया आपका सोल प्रोप्राइटरशिप की बात, एकल व्यापार की बात मैंने यहाँ पे की है। एकल व्यापार में ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाती है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को जानने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट नेट लॉस जानने के लिए बनाती हैं कंपनियाँ। शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि जानने के लिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। और बैलेंस शीट बनाने का रीज़न होता है किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये तो बात हो गई सोल प्रोप्राइटरशिप की। अगर हम आगे चलें, आगे किस प्रकार का बिजनेस आता है, आगे आपका आता है पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप की बात की जाए, तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि ये सारे अकाउंट्स तो बनते ही बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो जाता है। तो पार्टनरशिप फॉर्मों की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में ठीक है, पार्टनरशिप में सबसे पहले आपका अकाउंट बनता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। इतना बनने के बाद सारे पार्टनर में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सारे पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ठीक है, इसको बनाने के बाद देन हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वहाँ पे आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि पार्टनर की कैपिटल दो प्रकार की होती है, फिक्स फ्लक्चुएटिंग, और इन किस केस में क्या क्या करना होता है आपको ऑलरेडी पता है। नहीं पता है तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो किसी दिन डाल दूंगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, और उसके बाद देन हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका पार्टनरशिप फॉर्मों के लिए। तो पार्टनरशिप आपने देख ली, इधर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप देख लिया।
अभी हम बात करेंगे यहाँ पे कंपनी अकाउंट्स की। अभी हम लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग कंपनी अकाउंट्स की बात करेंगे। कंपनी अकाउंट में जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के लिए क्या होता है कि कंपनी अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट के अलावा भी एक चीज़ होती है, वो क्या होती है, उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, बट वो कहीं ना कहीं हमारा मैनेजमेंट अकाउंट का भी पार्ट होता है, साथ ही साथ आपका फाइनेंशियल अकाउंट का भी पार्ट होता है। तो अभी अभी हम लोग उसको कवर नहीं करेंगे, अभी हम लोग कवर करेंगे क्या चीज़ें, अभी हम लोग कवर करेंगे बैलेंस शीट और आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी हम लोग कवर नहीं करेंगे, तो ध्यान रखेंगे द एनुअल अकाउंट ऑफ द कंपनी। यहाँ पे अगर हम बात करें अगर हम बात करें तो द एनुअल अकाउंट ऑफ द कंपनी, यानी जो कंपनी की एनुअल अकाउंट बनाई जाती है, वार्षिकी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंसिस्ट ऑफ बैलेंस शीट, क्या कंसिस्ट करती है, बैलेंस शीट को कंसिस्ट करती है, ठीक। और इसके बाद अगर हम बात करें एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के एंड में, और इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, और फिर लास्ट में हम लोग बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ताकि जो भी चीज़ें हमारे पास, जो भी डिटेल्स आइटम्स हमारे बैलेंस शीट में और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दे रखी हैं या कैश फ्लो स्टेटमेंट में दे रखी हैं, इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से उसको डेराइव करते हैं, वो अमाउंट कैसे आया, यानी एक तरह से वर्किंग नोट के जगह पर हम क्या बनाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। वर्किंग नोट के स्थान पर हम लोग क्या बनाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं, वर्किंग नोट के स्थान पर, ठीक है। तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाने का रीज़न भी यही होता है कि हमारा जो भी अमाउंट हमने लिखा है, वो कैसे हमने, कहाँ से हम ले करके आ रहे हैं, वो सारा चीज़ हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्कस करते हैं। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत हम लोग कुछ भी जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं करेंगे। अभी बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 के, कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में ये दे रखा है, खासकर इतना ही पूछता है, लेकिन यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ प्रिस्क्राइब्ड इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया गया, पार्ट 1 में आपका बताया गया है बैलेंस शीट और पार्ट 2 में बताया गया है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, किसके पार्ट में, शेड्यूल 3 के, कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताया गया है। अभी बात करें यहाँ पे बैलेंस शीट होती क्या है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच शोज फाइनेंशियल पोजीशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बैलेंस शीट हमारा क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, जबकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है, प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हमने क्या प्रॉफिट अर्न किया और क्या लॉसेज अर्न की, ये बताने का काम किसका होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। अब हम आगे बात करें अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट इज अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ सरप्लस, प्रॉफिट कहाँ से अप्रोप्रिएट किया जाता है, सरप्लस से। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडर रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एडेड टू द ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, अगर कोई इस साल का प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसको सरप्लस में ऐड कर देंगे। फिलहाल अभी हम इसको यहाँ पे होल्ड करते हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कंपनी अकाउंट के बैलेंस शीट को, एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे होता क्या है और कैसे हम लोग इसको डिराइव करते हैं और कैसे हम लोग इसको बांटते हैं अलग अलग भागों में, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ये आ गई आपके पास, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी के नाम से बैलेंस शीट एज एट कब बनाया जा रहा है, अक्सर 31 मार्च को बनाया जाता है, लेकिन चेंज भी हो सकता है डेट, किन कंडीशंस में चेंज हो सकता है ये भी हम लोग आगे देखेंगे। अब रुपीज़ इन, कभी कभी रुपीज़ हम लोग लाख में भी लिखते हैं, करोड़ में भी लिखते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिख देंगे रुपीज़ इन करोड़, रुपीज़ इन लाख, ठीक है। जैसे भी कंपनी होगी उस अकॉर्डिंग वो अमाउंट उसका आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग देखो 1, 2, 3 और 4 कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम में हम क्या दिखाते हैं,
पर्टिकुलर्स दिखाते हैं, दूसरे में नोट नंबर दिखाते हैं, फिर फिगर एट द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, जो भी अमाउंट होगा करंट ईयर का वो दिखाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर का। इसके अलावा हम और भी कॉलम्स बना सकते हैं अगर हमें अतिरिक्त ईयरों के अमाउंट को दिखाना है तो, यानी प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर को भी दिखाना है, उसके प्रीवियस ईयर को दिखाना है, तो हम लोग कॉलम्स क्या करते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हम लोग शुरू करते हैं, हमेशा देखो हम लोग जो शुरुआत करते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की, इक्विटी एंड लाइबिलिटी हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल लेटर में ही लिखा रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहली बात यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड की। शेयर होल्डर्स फंड में हम जो भी शेयर्स के पैसे होते हैं, यानी शेयर्स क्या होते हैं, बिजनेस के ओनर माने जाते हैं, शेयर्स जो होते हैं वो बिजनेस के ओनर माने जाते हैं, यानी ओनर का जो भी पैसा होगा, यानी चाहे वो कैपिटल हो गई या फिर आपका कोई रिजर्व हो गया, क्योंकि रिजर्व जो होता है वो प्रॉफिट का हिस्सा होता है, और वो प्रॉफिट क्या होता है, पार्टनरों में बट जाना होता है, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट भी अगर होता है तो भी हम यहाँ पे दिखा देंगे। ये तीनों चीज़ें आपकी आती हैं शेयर होल्डर्स फंड में, सारे का अमाउंट हम अलग अलग दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि सारा अमाउंट हम एक ही में मर्ज करके यानी कैलकुलेट करके दिखाना दिखाना नहीं होता है, यहाँ पे हम सारा अमाउंट क्या करते हैं अलग अलग दिखाते हैं। अब हम तीनों डिस्कस करते हैं, ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं और कैसे हम इनका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम यहाँ पे शेयर होल्डर फंड की। शेयर होल्डर फंड की बात की जाए तो शेयर होल्डर फंड्स आर द फंड्स बिलोंगिंग टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, जो किससे बिलोंग करते हैं, शेयर होल्डर से बिलोंग करते हैं, किसके, कौन से शेयर होल्डर, जो अपनी प्रेजेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनसे जो बिलोंग करते हैं उनका मनी इसमें दिखाया जाता है, वो फंड इसमें दिखाया जाता है। दे कंसिस्ट शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को कंसिस्ट करते हैं, रिजर्व को करते हैं, सरप्लस को करते हैं, और मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वॉरेंट्स को करते हैं। ये तीन चीज़ें हम किस में दिखाते हैं, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर कर दिखाते हैं। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, हम लोग उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। शेयर कैपिटल की बात अगर की जाए तो इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी एज कैपिटल, मतलब वो अमाउंट जो कंपनी कैपिटल के तौर पर रिसीव करती है वो हम दिखाते हैं कहाँ पे, शेयर कैपिटल में। इट इंक्लूड्स बोथ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कंपनी में शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं, कंपनी में जो शेयर्स होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक आपके होते हैं इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है आपको प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर होते क्या हैं, प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको अपना पेमेंट, यानी कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पे, कंपनी के समापन की दशा में अपना पेमेंट पहले प्राप्त करने का प्रेफरेंस मिलता है, और इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं जिन्हें ये प्रेफरेंस नहीं मिला होता है, और इन्हें डिविडेंड भी पहले प्राप्त करने का अधिकार होता है प्रेफरेंस शेयर्स को, जबकि इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स के बांटने के बाद दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड जो होता है वो एक निश्चित ब्याज दर पर दिया जाता है, निश्चित रेट पर दिया जाता है, ठीक है, जबकि इक्विटी शेयर्स को जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो अनिश्चित होता है, जैसे भी प्रॉफिट होती है उसके आधार पर इनको बांटा जाता है। तो ये हो गया आपका शेयर्स का दोनों प्रकार। अब हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पे शेयर्स के दोनों कैपिटल को दिखाई जाएगी। अगर शेयर कैपिटल की बात की जाए, शेयर कैपिटल की बात की जाए तो शेयर कैपिटल कितने प्रकार की हो सकती है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला आपके पास आता है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल जो होती है इसको अन्य नामों से भी जानते हैं, अन्य नाम इसके क्या क्या हो सकते हैं, ऑथोराइज कैपिटल के अन्य नाम है आपका मैक्सिमम कैपिटल, ठीक, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। क्या क्या है, नॉमिनल कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में इसको हम लिख देते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल। इसके बाद आता है आपका मैक्सिमम कैपिटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बार जो भी अथॉरिटी मिल गई है आरओसी के तहत, आरओसी मींस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी के तहत जो भी अथॉरिटी मिल गई है उससे ज़्यादा ये अपनी कैपिटल नहीं रख सकते हैं। मान लो इन्होंने 1 लाख रुपए के लिए रजिस्ट्रेशन करा दिया है, कैपिटल क्लॉज में 1 लाख रुपए रजिस्टर्ड करा दिया है,
तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा इनकी कैपिटल नहीं हो सकती। अगर ये करना चाहते हैं तो इनको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा, और रिजोल्यूशन पास करने के बाद क्या करते हैं, ये जाएंगे आरओसी के पास, एक फॉर्म सबमिट करेंगे और इस अमाउंट को बढ़ाएंगे, जहाँ तक फिर से बढ़ा देंगे। मान लो 1 लाख था, 10 लाख कर दिया, तो अब इनका जो मैक्सिमम कैपिटल हो जाएगा 10 लाख रुपए का हो जाएगा, यानी ये अपने शेयर्स 10 लाख रुपए के इशू कर सकते हैं। फिर आता है आपका नॉमिनल कैपिटल, नाम मात्र की होती है, इसका कोई बहुत ज़्यादा अस्तित्व नहीं होता, और बैलेंस शीट में हम इस अमाउंट को नहीं दिखाते हैं। ये कहाँ दिखाया जाता है, नोट्स टू अकाउंट्स में खाली ये अमाउंट आपका शो किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद ऑथोराइज कैपिटल, क्योंकि इनको अथॉरिटी ही वहीं तक मिली होती है कि अपने शेयर्स उतने रुपए के वो इशू कर पाए। फिर हम बात करेंगे अगले कैपिटल की। अगला जो होता है आपके पास वो होता है इशूड कैपिटल। अगला जो होता है आपके पास वो होता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है, अथोराइज कैपिटल का वह भाग, अथोराइज कैपिटल का वह भाग जो जनता को निर्गमित किया जाता है, जो जनता को इशू किया जाता है शेयर खरीदने के पर्पज से, उसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद आता है आपका सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब्ड क्या होता है, जितने के लिए जनता हमारे पास आवेदन देती है, ठीक है। इशूड कैपिटल का वह हिस्सा जितने के लिए जनता हमें क्या देती है, आवेदन देती है, एप्लीकेशन देती है। एक होता है सब्सक्राइब, एक होता है सब्सक्राइब बट, इसके दो पार्ट होते हैं। इसमें दो पार्ट कौन कौन से हैं, एक होता है फुल्ली पेड सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड, एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, फुल्ली पेड अप का मतलब हो गया जो पूरा का पूरा पेमेंट कर देते हैं, और नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब होता है जिनका पूरा पेमेंट हमारे पास रिसीव नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कॉल्ड अप कैपिटल आ जाती है आपकी। कॉल्ड अप का मतलब होता है जितनी हमने कॉलें की होती हैं वो दिखाई जाती हैं। फिर आता है आपके पास पेड अप, जितनी हमें पेड होती हैं, ठीक है। ये सारी आने के बाद हमारे पास आता है कैपिटल रिजर्व, और फिर रिजर्व कैपिटल। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, हम लोग इसको कंपनी अकाउंट्स में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। जिसको नहीं समझ में आता है वो जा करके एक बार कंपनी अकाउंट्स देख लेगा, तो उसको शेयर कैपिटल के बारे में भी पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट सरप्लस। अपने सरप्लस से कुछ अमाउंट निकाल करके हम उसको साइड में रख देते हैं, ताकि जब भी कभी हमको ज़रूरत हो या जब भी हमारा कोई बड़ा लॉस हो तो हम वहाँ से रिकवरी करा सकते हो। रिकवरी के लिए हम ये क्या करते हैं, रिजर्व अपने पास बचा करके रखते हैं। फिर हम बात करेंगे सरप्लस की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होती है जो अप्रोप्रिएट नहीं किया गया हो, यानी जिसको आवंटित ना किया गया हो, बांटा ना गया हो अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये शेयर वारंट के अगेंस्ट रिसीव किया जाता है। शेयर वारंट क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है विच गिव द होल्डर टू राइट एक्वायर इक्विटी शेयर इन द कंपनी एट स्पेसिफाइड डेट एंड एट अ स्पेसिफाइड रेट। मतलब ये एक प्रकार का क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपने होल्डर को, यानी जो भी उसको लिया होता है, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होता है, शेयर वारंट जिसके पास होता है, उसको एक स्पेसिफाइड डेट पर और एक स्पेसिफाइड डेट पर, स्पेसिफिक रेट पर शेयर्स लेने की अनुमति देता है, ठीक। अब हम बात करेंगे आगे। आगे आपके पास आता है, अगर बैलेंस शीट हम यहाँ पे देख लें एक बार, तो बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो बैलेंस शीट में आगे हमारे पास क्या आता है, बैलेंस शीट में आगे हमारे पास आता है यहाँ पे मनी रिसीव्ड अगेन सॉरी शेयर वारंट, ये तो हो ही गया था आपका। इसके बाद आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। देखो, जो शेयर्स का पैसा हम रिसीव करते हैं, शेयर की जो मनी आती है वो कई कॉलों में आ सकती है। पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग रिसीव करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन, सबसे पहले हम लोग रिसीव करते हैं एप्लीकेशन। फिर आता है हमारे पास अलॉटमेंट। अलॉटमेंट होने के बाद हम लोग फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, ऐसे कॉलें कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन आ रहा है। एप्लीकेशन आने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि हम शेयर्स को अलॉट ही कर दें, कोई ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन,
और ओवर सब्सक्रिप्शन वाले कंडीशंस को भी हमें देखना होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है एज पर सेबी गाइडलाइन, सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 12 अप्रैल 1988 को बनाई गई थी, जबकि इसे 1992 में रेगुलेटरी बॉडी के रूप में अथॉरिटी मिली थी। 30 जनवरी 1992 में इसे रेगुलेटरी बॉडी की मान्यता दी गई थी। तो इसके अनुसार हमने जितना भी शेयर इशू किया है, अगर 90% से कम के लिए आवेदन आता है तो के केस में हम शेयर इशू नहीं करेंगे, यानी शेयर का अलॉटमेंट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उनका पैसा विद इन अ 15 डेज हम उनका पैसा उनको रिटर्न कर देंगे। जबकि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, 100% से कम, 100% से कम। और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जितना भी हमने इशू किया है 100% से ज़्यादा, 100% से ज़्यादा। ठीक है, तो ज़्यादा आएगा तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, कम आएगा तो अंडर सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। तो अलॉटमेंट करने से पहले हमें ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, देखनी पड़ती हैं कि हाँ ये सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, फिर उसके बाद हम अलॉटमेंट करेंगे। अगर 100% से ज़्यादा के शेयर्स आते हैं तो हम वहाँ पे, हमारे पास दो ऑप्शन होता है, एक तो हम प्रोराटा कर दें, प्रोराटा का मतलब होता है अनुपातिक आवंटन, ठीक, और दूसरा होता है हमारे पास हम उन्हें रिजेक्ट कर दें, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा आए हुए आवेदन है हम उन्हें रिजेक्ट कर दें। उसके बाद हम अलॉटमेंट कर देते हैं, तब हम वो पैसा क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में दिखा सकते हैं। जब तक हम अलॉटमेंट नहीं करेंगे, यानी जब तक का पैसा हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तब तक हम कोई भी पैसा शेयर कैपिटल में नहीं दिखाएंगे। और मान लो शेयर कैपिटल में दिखाने से पहले हमारे फिनेंशियल ईयर की क्लोजिंग डेट आ गई, तो हम क्या करेंगे, वो पैसा उठा करके हम दिखा देंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फिर आगे हम बात करें नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ की। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है, वो लाइबिलिटी जिनका हमें इस अकाउंटिंग पीरियड में पेमेंट नहीं करना होता है, इस अकाउंटिंग पीरियड में जिसका हमें पेमेंट नहीं करना होता है वो होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी, जिसमें सबसे पहला आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, यानी किसी से हमने लंबे समय के लिए ऋण लिया हो जिसका हमें भुगतान करना है, ये होता है आपके पास लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये हमने लिया होता है। फिर आते हैं आपके पास डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अभी इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा होल्ड करेंगे, अभी हमारे पास यहाँ पे डेफर्ड टैक्स एसेट्स आएगा तो हम उन दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। फिर आता है हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, सॉरी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की बात की जाए तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या होती हैं, जो हमारे ऊपर वाले हेड में किसी में भी ना आए उसको हम दिखाते हैं अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। ठीक है, फिर आता है हमारे पास लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यहाँ पे देखते हैं अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में, दे आर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज अदर देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ द कंपनी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अलावा जो भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी वो कहाँ दिखाई जाएगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर दिखाई जाएंगी। अब आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दीज आर द प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज दैट विल बी पेबल आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, देखो कभी कभी हमारा फिनेंशियल पीरियड 12 महीने के अलावा भी हो सकता है, 12 महीने के अलावा भी हो सकता है, तो कैसे हो सकता है, यहाँ पे देखो, इट इज़ द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वेयर द ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, इट इज़ एज्यूम टू बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। वहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं 12 महीने का, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट बिजनेस, ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये ज़रूरी होता है कि हम ये लिख दें कि 12 महीने के अलावा वो ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड भी हो सकता है। फिर आते हैं हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़। अगर हम अगले हेड की बात करें तो करंट लाइबिलिटीज़ आता है, करंट लाइबिलिटीज़ में सबसे पहला आपके पास यही आता है, जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग आता था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगा, करंट लाइबिलिटीज़ का सबसे पहला हेड होता है आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपका क्या होता है, कोई
कोई भी अल्पकाल के लिए लिया गया ऋण। अब देखो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो चीज़ें आपने देखी, एक आपने देखी शॉर्ट टर्म, एक आपने देखी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो होता है वो 1 ईयर के लिए या एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है या एक अकाउंटिंग ऑपरेटिंग साइकिल के लिए होता है, और ये आपका जो होता है एक ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा के लिए होता है, तो मोर देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक, इसमें कोई डाउट किसी को? फिलहाल अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल हमने देख ली, ठीक है। यहाँ करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहला हमारे पास आया शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जिसको हमने देख लिया। अब आता है हमारे पास ट्रेड पेबल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक देय। ट्रेड पेबल आता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक देय। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो आपका आता है क्रेडिटर, ठीक, और दूसरा आता है बीपी। एक आता है आपका क्रेडिटर्स और दूसरा आता है बिल्स पेबल। तो ये दो चीज़ें, क्रेडिटर्स क्या होती हैं जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आप लोग बीकॉम में हो पढ़ते हो या फिर इंटर में भी पढ़ते हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, तो आपको ये दोनों चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं। क्रेडिटर्स क्या होता है? किसी से लिया गया उधार सामान, यानी अभी हमको उसको पेमेंट करना बाकी है, तो वो हमारे लिए क्या होता है? क्रेडिटर होता है। हमारे बिजनेस के लिए वो क्रेडिटर होता है, उसको हमें भुगतान करना होता है, तो इसलिए वो हमारे लिए क्या हो जाती है? लाइबिलिटी होती है। सेम यही कंडीशन होता है बीपी के लिए। बीपी में क्या होता है, हम किसी से जाते हैं उधार सामान ले लेते हैं, और उधार सामान लेने के बाद क्या करते हैं, एक बिल लिखवा लेते हैं। जैसे मान लो मिस्टर ए थे, ये बी के पास गए और कहा बी भैया हमको सामान दे दो। बी ने क्या किया, ए को कुछ सामान दे दिया, और ए ने क्या कहा, जब बी ने उनसे पेमेंट मांगा तो ए ने कहा बी भैया हमारे पास तो अभी कोई पेमेंट नहीं है। तो उन्होंने कहा तो हम सामान नहीं दे सकते? इन्होंने कहा नहीं, एक काम कीजिए आप एक ठुआ बिल लिख दीजिए। तो बिल लिखने के बाद क्या करते हैं, ये बिल लिख देते हैं, उसके बाद मिस्टर ए क्या करेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेंगे, मिस्टर बी को वो बिल पुनः वापस कर देंगे। तो बी के लिए वो बिल एसेट्स होगी, उनके लिए वो बिल हो जाएगी बी आर, बी के लिए क्या हो जाएगा, बी आर हो जाएगा, जबकि ए के लिए वो लाइबिलिटी हो जाएगी, ए के लिए क्या होगा, वो बीपी हो जाएगा। तो ये अपनी लाइबिलिटी में उसको दिखाएंगे और बी अपने किस में दिखाएंगे, एसेट्स में दिखाएंगे। तो बातें क्लियर हुई? नहीं क्लियर हुई? एक बार फिर से देखते हैं। ठीक, मिस्टर ए थे और मिस्टर बी थे, ए बी के पास गए और इन्होंने सामान खरीदा, गुड्स खरीदा, ठीक, गुड्स लिया, किसने लिया, ए ने लिया। अब जब पेमेंट देने की बात आई तो पेमेंट नहीं दे पाई ये, पेमेंट की बात आई तो पेमेंट के लिए क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, और पेमेंट के लिए इन्होंने कहा एक काम कीजिए बी आप एक बिल लिख दीजिए। बी ने कहा ठीक, इन्होंने एक बिल लिखा, और बिल पे क्या किया, फिर मिस्टर ए ने अपनी सहमति दे दी, यानी अपना साइन किया। अगर वो बिजनेस चलाते हैं तो अपनी मुहर भी लगाएंगे, और मुहर लगाने के बाद क्या करेंगे, वो बिल मिस्टर बी को वापस कर देंगे, और फिर बी के लिए वो बिल हो जाएगा बी आर, और ए के लिए वो बिल हो जाएगा बीपी, ब्लड प्रेशर वाला बीपी नहीं, यहाँ पे बीपी का मतलब होता है, यहाँ पे बीपी का मतलब क्या होता है, बिल्स पेबल। ठीक है, अब इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को, चलो अच्छी बात है। अब आगे अगर हम लोग देखें तो ट्रेड पेबल हो गया हमारे पास, फिर आती है अदर करंट लाइबिलिटी। तो सेम वही डिफिनीशन जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ी थी, लॉन्ग टर्म अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में दे आर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज अदर देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सेम वही चीज यहाँ पे, दीज आर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज अदर देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है, एंड ट्रेड पेबल एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन।
शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ट्रेड पेबल के अलावा जो भी होता है वो हम यहाँ पे दिखाते हैं। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस क्या होता है, दीज आर प्रोविजंस फॉर लाइबिलिटीज दैट विल बी पेबल विद इन 12 मंथ्स। तो ये जो 12 मंथ्स के लिए होगा वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन होगा, और जो 12 मंथ्स या एक अकाउंटिंग साइकिल से ज़्यादा के लिए होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो वो हम दिखाएंगे कहाँ दिखाएंगे, वो हम दिखाएंगे नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में, जबकि नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में दिखाएंगे, जबकि शॉर्ट टर्म प्रोविजन्स अगर होंगे यानी अल्पकाल के लिए जो प्रोविजन बनाए जाते हैं वो हम कहाँ दिखाएंगे, करेंट लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत दिखाएंगे। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे बात करेंगे, ये हमारा लाइबिलिटीज पोर्शन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब अगर हम आगे बात करते हैं, आगे हम लोगों का टॉपिक आता है आपका एसेट्स। एसेट्स की बात की जाए तो एसेट्स आपके पास कितने प्रकार के होते हैं, अगर एसेट्स की बात की जाए तो एसेट्स को क्लासिफाई किया जाता है दो भागों में। एक आपके पास आता है नॉन करंट एसेट्स, ठीक, वो एसेट्स जिनसे हमें 1 साल से ज़्यादा तक प्रॉफिट मिलता है, एक अकाउंटिंग पीरियड यानी एक अकाउंटिंग साइकिल से ज़्यादा के लिए प्रॉफिट होता है तो वो होता है नॉन करंट एसेट्स, और हम इन्हें 1 साल से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड के बाद ही कैश में भी कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये होता है आपके पास नॉन करंट एसेट्स। दूसरा आपके पास आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होता है, वो संपत्तियां या वे एसेट्स जिनको हम विद इन अ वन अकाउंटिंग साइकिल हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये अमूमन क्या होती हैं, अक्सर ये 1 साल के अंतर्गत ही प्रॉफिट हमें देती हैं, यानी इनका जो प्रॉफिट का टाइम ऑफ पीरियड होता है वो 1 ईयर होता है। तो ये तो आपके पास दो मेन प्रकार हो गए एसेट्स के। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नॉन करंट एसेट्स के बारे में, ठीक। सबसे पहला आपके पास आता है यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स। सबसे पहला क्या आता है, फिक्स्ड एसेट्स जिनको हम स्थिर संपत्तियाँ भी बोलते हैं, ठीक। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, अब इनको हम देखो यहाँ पे 4 भागों में बांटते हैं। मेन तो दो ही होते हैं, दो कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूर्त संपत्तियाँ। क्या बोलते हैं, मूर्त संपत्तियाँ, जबकि इनटेंजिबल को क्या बोलते हैं, अमूर्त संपत्तियाँ, ठीक है। तो टेंजिबल क्या होता है यानी मूर्त क्या होता है, वे सारी संपत्तियाँ जिनको हम फिजिकली तौर पर देख और छू सकते हैं, देख और छू सकते हैं। अगर देख और छू पा रहे हैं तो मूर्त हो गई, और अगर नहीं देख और छू पा रहे हैं, नहीं देख और छू पाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, अमूर्त। बात क्लियर हुई, तो ये आपके पास होता है क्या, मूर्त और अमूर्त संपत्तियां। अब इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। बस सबसे पहले बात करेंगे टेंजिबल एसेट्स की। टेंजिबल एसेट्स के अगर एग्जांपल की बात की जाए तो आपके पास आ जाता है फर्नीचर, ठीक, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक, ये सब क्या होती है, मशीनरी। ये सब अक्सर हमें प्रॉफिट क्या करती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए देती हैं। तो ये सब आपके पास हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें इनटेंजिबल एसेट्स की, अमूर्त संपत्तियों की, तो अमूर्त संपत्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा पॉपुलर गुडविल, ठीक। इसके बाद आता है पेटेंट, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी इसी का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपका, ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं इनटेंजिबल एसेट्स। इसके बाद कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर के कंपोनेंट होते हैं वो सब होते हैं आपके लिए टेंजिबल एसेट्स, जबकि इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर को हम फिजिकल तौर पर देख और छू नहीं सकते हैं, होते हैं, ठीक है। अब आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हमारा टेंजिबल एसेट्स से संबंधित होता है। टेंजिबल
टेंजिबल एसेट्स से बिलोंग करता है। अगर कोई भी टेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। वही अगर रिवर्स केस देखें, रिवर्स केस क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स की बात करें या इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, तो कोई भी इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट तब माना जाता है जब ये क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता। जैसे मान लो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक ही दिन में बन के तैयार नहीं होता है, उसके लिए टाइम देना होता है। तो अगर मान लो हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो गया और हमारा सॉफ्टवेयर पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होता है, ये हम कैपिटल सॉरी इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट दिखाते हैं। फिर हम बात करेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो लंबे समय के लिए किया जाता है। अब यहाँ से हमें क्या होगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा और पेमेंट भी मिलेगा। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कोई ऐसा विनियोग, कोई ऐसा मतलब ऐसी जगह पर पैसे लगाना या लाभ कमाने के उद्देश्य से पैसे लगाना, हमारे लिए क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। डेफर्ड टैक्स असेट्स, बैलेंस शीट खत्म होने के पश्चात हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। फिर आता है हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, यानी अगर हमने किसी को लंबे समय के लिए ऋण दिया है, एडवांस दिया है, तो हम यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक, किसी को भी दिया होगा। फिर आता है हमारे पास अदर करंट असेट्स। अदर करंट असेट्स की बात की जाए तो जो भी चीज़ें सॉरी अदर नॉन करंट असेट्स, जो भी असेट्स इन सारे कॉलम में यानी ए से लेकर के डी तक में आने से छूट गए होंगे, वो सारे हमारे किस में आ जाएंगे, अदर नॉन करंट असेट्स में आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं करंट असेट्स की। करंट असेट्स में सबसे पहला आता है हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट। अभी हमने यहाँ पे भी देखा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो वो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, और करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, करंट इन्वेस्टमेंट आपका होता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक। फिर आता है इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज आपका स्टॉक ही होता है। स्टॉक यहाँ पे तीन प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आपके पास आता है रॉ मटेरियल, फिर WIP और फिर आता है आपके पास फिनिश्ड गुड्स। तीनों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। रॉ मटेरियल जो अभी प्रोसेस में ही नहीं लाया गया है अपने गुड्स को क्रिएट करने के लिए, अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए। WIP प्रोसेस में तो ला दिया गया है लेकिन अभी फिनिश गुड्स में के रूप में तैयार नहीं हुआ, यानी कंज्यूम करने के लिए या सेल आउट करने के लिए अभी तैयार नहीं हुआ। वही फिनिश गुड्स कंज्यूम और सेल करने के लिए रेडी है, प्रिपेयर हो चुका है। तो ये होता है आपका फिनिश गुड्स। अब हम आगे बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में रोकड़ और उसके समतुल्य की चीज़ें दिखाते हैं। कैश बैलेंस हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे दिखाते हैं। फिर आगे अगर बात की जाए शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की, फिर आगे आता है आपके पास शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अभी हम लोगों ने यहाँ पे भी पढ़ा था, अगर हमने किसी को लॉन्ग टर्म के लिए दिया है तो हमारे लिए वो नॉन करेंट असेट्स हो जाएगी, तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में दिखा देंगे। और वही अल्पकाल के लिए दिया है तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो जाएगा। और उसके बाद फाइनल में हम क्या लिखेंगे, अदर करंट एसेट्स लिखेंगे। अदर करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग हो गया, सॉरी प्रीपेड हो गया। आउटस्टैंडिंग तो आपके लिए लाइबिलिटी होती है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग कहाँ दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग हम दिखाएंगे अदर करंट लाइबिलिटीज़ में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे, अदर करंट लाइबिलिटीज़ में। अब हमने दो टॉपिक वहाँ पे छोड़ा था, दो टॉपिक कौन कौन सी आपकी छूटी थी, बात की जाए डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ की, ये आपका छूटा हुआ था, और डेफर्ड टैक्स एसेट्स का छूटा था। दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते थे, एक दूसरे से संबंधित थे, इसलिए यहाँ पे देखेंगे तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की बात हम कर रहे थे। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स, इट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन टेम्परेरी डिफरेंस। टेम्परेरी डिफरेंस किसके किसके बीच में होती है, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के बीच में। ये खाली इट इज द ओनली अ बुक एंट्री, नॉट एक्चुअल लाइबिलिटी। ये एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ बुक पे एंट्री की जाती है, ठीक है। इट अराइजेज व्हेन, कब अराइज करती है ये, अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम। और इसी का रिवर्स केस आपका एसेट्स कब आता है, जब आपका टैक्सेबल इनकम ज़्यादा होता है, किससे, अकाउंटिंग इनकम से। जब आपका टैक्सेबल इनकम ज़्यादा होता है अकाउंटिंग इनकम से, तो आपका ये है, देन अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपका
डेफर्ड टैक्स एसेट्स में कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का पार्ट टू देखेंगे, यानी शेड्यूल थर्ड का पार्ट टू देखेंगे, और हम लोग प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्कस करेंगे डिटेल में। थैंक यू क्लास।